इधर बेटा जगह देखकर तंग किया करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लो मैं कह रही हूँ नीचे छोड़ दो इधर ना करो ऐसे। फिर भाई हमारे खाने में बनी भी है, किस किस्म की आवाज है यार। अस्सलामुअलैकुम खवातीनो हज़रात, क्या हाल चाल हैं आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता है भाई। आज सुबह सुबह उठकर और तैयार श्यार होकर, तुम लोग तैयार क्यों नहीं हुए? अच्छा पहले नाश्ता करोगे फिर रेडी होगे? कपड़े फ्रेश तो पड़े हैं लेकिन तुम्हें भी रेडी होना चाहिए। पूरे रात को झाड़ू नहीं लगाया इधर यार, असल में झाड़ू आपका वेट कर रहे थे ना। अच्छा कि सुबह सुबह वो चपड़ासी आएगा और वो साफ करेगा। खुश है सुबह 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 बेइज्जती हो जाए ना तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। फिर सारा दिन बंदा सही से गुजारता है, किसी के साथ पंगेबाजी नहीं करता। यार आ जाओ नाश्ता रेडी है, वो भाई नाश्ते के लिए बुलाने आया है। बालू भाई रेडी हो आप भी? बालू ना ये मोटे मोटे कपड़े पहन कर ना अकड़ कर बैठ जाती है, बिकॉज इस बेचारी से ना ही हिला जाता है ना ही जुला जाता है और ना ही आगे जाया जाता है ना ही पीछे जाया जाता है। मैं देखो सही है, ये नरम सा पहना सूट ठीक है, उसके ऊपर ये दो तीन कपड़े पहन लेने थे, दो तीन पहने इसलिए तो दाबड़दुली लग रही है ना। ओए होए होए होए, आज तो ब्रेकफास्ट ये ड्रीमी होने वाला है। ब्रेकफास्ट जिस जगह माज ने हमारा लगवाया है ना वो जगह बहुत जबरदस्त है। आए हाय हाय हाय, नाश्ता आ गया? नहीं नहीं आ रहा है, ठंडा होने वाला है। हाँ ना इंतजार काफी करवा लिया, और लाली भाई अभी भी नहीं आए। मैं कहाँ से लेकर आऊँ? ना थैंक यू भाई थैंक यू। मेरा वो चीज वाला था, ये है मेरे किधर है ये? हाँ बस ये मुझे दे दो, बाकी तुम लोग खाओ। बैठ गया हूँ बैठ गया हूँ। नाश्ता जी अपना हो चुका है बहुत ही जबरदस्त माहौल के साथ, और बेटी हमारी बिल्कुल धूप के सामने बैठी हुई थी तो बेचारी धूप में बैठ बैठ कर लाल टमाटर बन चुकी है। और अभी ना मैं इसको दिखाने के लिए लाया हूँ ये प्यारे से मौसमियों का पौधा। चलो ये जल पत्तों के साथ खेल रही है, मैं इसको मौसमी दिखाना चाह रहा हूँ, ये पत्तों के साथ मस्ती कर रही है। गाड़ी जी अभी मेरी बहुत ज्यादा गंदी हुई हुई है आप देख सकते हैं, बिकॉज कल सफर बहुत ज्यादा किया है और सफर करने की वजह से गंदी शंदी तो हो ही जाती है। हमारी सवारी बाहर से तो थोड़ी कम गंदी है, अंदर से तो बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि इजल कल अंदर बैठ कर ही खा पी रही थी और उसका खाना पीना कुछ इस तरह का होता है कि वो खाती कम है और बखेरती ज्यादा है। तो अब मैंने सोचा है कि गाड़ी की सर्विस करवा लूं, क्योंकि अभी हमारा प्लान है कि एक घंटे का सफर तय करने के बाद जाएंगे मालव जापान। ए फ्यू मिनट्स लेटर, चलो गुरुजी मैं भी अपने ग्लव्स और साथ में ये कैप भी ले आया हूँ क्योंकि उधर ठंड बहुत ज्यादा लगने का खदशा है। फाइनली जी अपने होटल से निकल आए और माज लोगों की गाड़ी आगे है, हमारी गाड़ी पीछे है। सफर अपना एक घंटे का जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब बस खैरो आफियत से अपना सफर गुजर जाए, क्योंकि पता है ना कि पहाड़ी इलाकों का सफर थोड़ा डेंजरस होता है और बर्फबारी के मौसम में तो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। क्या हो गया भाई, ब्रेक क्यों लगा दी? भाई ब्रेक इसलिए लगा दी, कुछ बच्चे दिख गए रोड पे खड़े हुए और वो एक मजे की चीज दे रहे हैं, लाइक बेच रहे हैं, वो मीठा है तो मीठा खाने तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा वो मीठा वाली किस किस का दिल घबरा रहा है? आपा का घबरा रहा है, कवल का घबरा रहा है, इनका घबरा रहा है। फ्रंट पे देखो इसका चेक कर, क्या हो गया? दिल घबरा रहा है, उल्टी आ रही है। अच्छा ये क्या है मीठे में? हाय हाय ये मीठे में है चाट। इसको ये मुरमुरे कहते हैं शायद, मैंने कभी खाया नहीं है ना। मुरमुरे कहते हैं मुरमुरे टाइप है ये। हाँ गुड़ लगा कवल, ये लो दिल घबरा रहा है तो कुछ खाओ पियो, एक और देना। हाँ बल्कि दो दे दो, क्योंकि एक मेरे लिए और एक आपा के लिए, नहीं भाभी को दे दिया। हाँ ये लो आपा खाओ ताकि दिल थोड़ा घबराना कम हो। एक घंटे के सफर में अभी हमारा दूसरा स्टॉप है, पहले तो वो कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप किया था, दूसरा हम लोगों ने स्टॉप किया था हमारे लाली भाई के इस वाले काम के लिए, और लाली भाई को ये काम करने की वजह से 100 रुपया भी देना पड़ा। yes. और वो वाले काम के लिए 400 400 दो नंबर वाले काम के लिए 400
भाई यहाँ पर तो सही कमाई हो रही है। नो नो नो, सेल्फी वाला टाइम नहीं है मेरे पास यार। तुम लोग कहाँ से आ जाते हो यार? कह रहा हूँ ना, सेल्फी वाला टाइम नहीं है। घूमने फिरने आए हूँ, अपनी वेकेशन मनाने आए हूँ, सेल्फी लेता रहूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा जी, हम लोग पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही बैड न्यूज ये मिल गई है कि बर्फ ही नहीं है। बर्फ कहाँ गई है यार? बिकॉज इतनी ठंड है, बर्फ होती तो पता नहीं क्या आना। लेकिन बर्फ के साथ मजा आना था। ये तो है, बर्फ के बगैर ठंड तो है, लेकिन ठंड नहीं ना चाहिए, बर्फ चाहिए। बर्फ क्यों नहीं है यार? यार दिसंबर का लास्ट चल रहा है और जनवरी शुरू होने वाला है, मतलब सबसे हैवी ठंडी दिसंबर में होती है। भाई दिसंबर गुजर जाएगा तो फिर कब आएगी बर्फ? क्या क्यों, बर्फ कहाँ है? बर्फ यार ऊपर पड़ी है। ऊपर है, खानी है? खानी नहीं है, तू फ्रिज दिखाएगा मुझे जाकर। ऊपर फ्रिज में है, ऊपर है, लेकिन कम कम है यार, ज्यादा नहीं। अभी तीन चार दिन में हो जाएगी। तीन चार दिन जल्दी आ गए हम, जल्दी आए। हाँ, न्यू ईयर के बाद तो होनी होनी है। हाँ, लेकिन यार फिर भी मतलब स्की का मजा आना था, बर्फ होती है ना। ओए होए, स्की करनी थी मैंने और माँ ने, स्की करनी थी और लारेम ने कीसी कर ली थी। मैं माशाल्लाह, मेरा दोस्त लॉन से गाड़ी चलाकर आया है। मार तो ये मियां बीवी मिलकर मुझे ताने देने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाकी मैंने अपने मियां की साइड नहीं ली, मैं अपने मियां की साइड ही होंगी, बस बहुत हुआ। अच्छा ठीक है, फिर आइंदा से दुश्मनी। फिर अगर आप चाहते हैं कि हम, मैं आपकी साइड लूं, तो एक और ट्रिप हो जाए। एक और ट्रिप, बारी 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 बारी। चलो यार चलें, अब बारी है चेयर लिफ्ट पर बैठने की। जब ही पैकिंग कर रहे थे ना हम लोग यहाँ आने के लिए, तब आपा कह रहे थे मुझे जरूरत नहीं है जैकेट की, मुझे तो ठंड भी नहीं लगती, और यहाँ जैकेट से हाथ ही नहीं बाहर निकल रहे। नहीं नहीं, वो वैसे ही। हाँ वैसी वैसी वैसी, बस स्टाइल के लिए इधर हाथ डाले में। ठंड तो नहीं लगती मुझे, ठंड नहीं लग रही। आपा चेयर लिफ्ट से नहीं गिर जाए देखना। आपा नहीं, आपा नहीं गिरते, क्या हो गया? आपा चेयर लिफ्ट को गिरा देंगे, खुद नहीं गिरेंगे, खुद देखना। अगर चेयर लिफ्ट गिर भी गई ना, खुदा ना खास्ता, तो ये जो है ना केबल, उससे आपा आ रहे होंगे। आपा ध्यान से, आपा ध्यान से, आप भी पाँव रखो। आपा पाँव रखे उसके ऊपर। बाय 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 का बाय बाय। देखो चलो जी, अपनी बारी है। बाय बाय। ओए ओए ओ भाई भाई भाई, ध्यान से पाँव रखो, पाँव रखो, ये पाँव रख लिए, बस सही है। अरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर तो ज्यादा ठंड पड़ जाएगी। नारे तुझे अपने इस चेयर लिफ्ट का एक्सपीरियंस बताऊं, लास्ट टाइम क्या हुआ था? नहीं बोलो, मैंने बहुत करी, मुझे डर नहीं लगता, अपना काम कर, चल। अच्छा डर नहीं लगता तुझे? उसने तो सुना नहीं जिसको डराना चाह रहा था। लेकिन आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ कि लास्ट टाइम मैं जब भी सितंबर या नवंबर में हम लोग आए थे ना, तब ये चेयर लिफ्ट ना बीच रास्ते में रुक गई थी और मैं और कवल ऐसे ही बैठे हुए थे इधर को लेकर, बस एकदम से फिर समझ लो मेरी और कमल की जान निकल गई थी इस चेयर लिफ्ट को रुकता देखकर। नहीं थी, मुझे एजल की थी, मैंने कहा अल्लाह पाक। हाँ, और उन दिनों में कोई चेयर लिफ्ट वाला वाकया भी हुआ था जिसमें के काफी लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया था। अच्छा छोड़ दो प्लीज। हाँ जी, इस डर वाले माहौल में बैठकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एजल बेटा जगह देखकर तंग किया करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लो मैं कह रही हूँ नीचे छोड़ दो। एजल ना करो ऐसे यार, पहली दफा इसको डांटा मैंने इस तरह से, क्योंकि जगह नहीं है ये तंग करने वाली। खुदा ना खास्ता जैसे तंग कर रही है ना, डर लगता है बंदे को यार। अच्छा बस ना मेरा बच्चा। अच्छा ये लो ये लो ये लो, आपकी फेवरेट, मैं नात लगाता हूँ। मरहबा बोलो, मरहबा मरहबा मरहबा। अब चुप कर गई है। वी आर अराइव्ड। पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। मुझे वैसे लग रहा है ग्लासेस लगाकर जैसे ईशा का टाइम हो गया हो, है ना? ये ग्लासेस अभी तारनी पड़ेगी। असल में एजल को लग रही थी भूख। अभी जब भी हम लोग ऊपर पहुंचे हैं ना, तो आते इसने दूध पिया, अब थोड़ी सटमेट हो गई है। और इस बेचारे एजल के भाई को भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसने भी दूध पिया, तो अब थोड़ी सेटिंग सेटिंग इसकी बनी है भाभी के साथ। सही से ये कह रहे हैं हमने यहाँ भी खाना है और वापिस जाकर रिजॉर्ट में भी खाना है। उसने विंग्स भी ऑर्डर कर दिया। मैं सूप पीऊंगी, मैं भी विंग्स खाऊंगा, बिकॉज कल विंग्स बड़े अच्छे थे, फिंगर फिश भी बहुत अच्छी थी। सबको भूख लग रही है ना, इसलिए खाने पीने की चीजों के नाम ले रहे हैं, तो तब भी मजा आ रहा है। सूरज बाबा भी जा चुके हैं पहाड़ों के पीछे, इसलिए बस ये हल्की फुल्की सी लाली नजर आ रही है हमें। तो घोड़े इधर से नहीं खाएंगे, इसी से खाएंगे। अच्छा नीचे से, चलो बस सही है, यहाँ से फिर चाय शाय पीते हैं जल्दी जल्दी और फिर जाते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये लो जी चाय छोड़ दी है
और पकड़ते हैं अपनी बच्ची को। एजल को मुझे दे दें, ये एजल के ग्लव्स आप पकड़ लें। आपा आ जाओ एजल, बाबा पास आओ, बाबा पास आ जाओ। चलो 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 चलो। आपा यार गिनने लगे थे, चोट लगी है यार। आपा ध्यान से आगे देख कर चले यार। मैंने आपा को गलती से बोल दिया, आपा फौजी लग रही है, फौजी बन गई है। हाँ फौजी बन गई, गिरती फिर रही है आपा। अच्छा आपा गिरने के बाद पता है क्या कहती हैं? ओ हम चढ़ते ही ऐसे हैं। अभी जाते हुए बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है चेयर लिफ्ट, और वो बच्चों के लिए थोड़ी सी स्लो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग और माज लोग पहले बैठ जाएंगे और बाकी हमारे ग्रुप की आवाम बाद में आएगी। हम लोग पहले ही जा रहे हैं ना, पहले ही आपका कार्ड दिया है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इधर खड़े हो सर, भाई स्लो करो स्लो करो। अभी पूरे चेयर लिफ्ट वाले लोग पागल हो गए, पूरा खानदान मुझे लगता है पागल हो गए। एजल 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 थी, मैं भी सीखी हूँ। कैसे हो मार्क? यार खेल कूद को कर दो खत्म, ताकि कुछ खा लें इन बच्चों के चक्करों में। हम भी इनके प्ले एरिया में बैठे हैं सारे मिलजुल कर, ताकि ये लोग 10-15 मिनट अपना खेल कूद कर लें। हेलो बॉस, हाँ बॉस कह रहे चलो 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 निकलें। वो पहले ही बाहर निकल गया। हल्के फुल्के से स्टार्टर का सीन हम लोग करने के लिए आ चुके हैं, बिकॉज हमारा प्लान है कि वापस जाकर ही सुकून से पेट भर कर खाना छाना खाएंगे। बिकॉज अभी यहाँ से अगर खाना छाना सबने पेट भर के खा लिया ना, एक तो ये सीन होगा कि रास्ते में दिल खराब होगा, और दूसरा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में पहली दफा इतनी मोटी जैकेट पहनी है, और यकीन मानो बॉडी बिल्डर पहन पहन करना। हाँ बॉडी बिल्डर इसको पहन पहन करना, बॉडी बिल्डर सही बोला है। आपने कहा बॉडी बिल्डर, कभी कभी निकल जाता है। आज सुबह से मेरे साथ यही सीन चल रहा है, जब मैं कर रहा हूँ जब भी कुछ बोल रहा हूँ निकल जाता है। अच्छा कह रहा था कि वो जिंदगी में पहली दफा इतनी मोटी जैकेट पहनी है, और इसको पहन पहन करना, मेरे ये लेफ्ट वाले कंधे में दर्द शुरू हो गया क्योंकि इसका वजन ही बहुत ज्यादा। और मजे की बात यह है कि ये जैकेट है भी नहीं मेरी, ये जैकेट ना इब्रार बापू से अपने लिए खरीद कर लाया था। अब इब्रार साहब तो चले गए हैं उमरा पर, मैंने सोचा कि जैकेट उठाता हूँ और इस ठंड भरे माहौल में इस जैकेट को इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरी मजे की बात ये है कि ये जैकेट है भी बहुत गर्म। स्टार्टर में जी अपना पिज्जा आ चुका है, और मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की है कि जो सबसे अच्छे वाला और हैवी वाला स्लाइस है ना वो मुझे दे दो। स्टार्टर वगैरह अपना हो गया है जी, अब बस मालूम जब्बा को करेंगे बाय। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बीच रास्ते में रुकना पड़ गया था वापसी पर, क्योंकि कवल की तबीयत खराब हो गई थी, बेचारी का दिल घबरा रहा था। अभी 2-3 इसने उल्टियां शुल्टियां की हैं तो ठीक हुई है। अब ठीक हो? हाँ। हाँ? हाँ। चलो ठीक है, तुझे तो नहीं आ रही उल्टी शुल्टी? पक्की बात? आपा आ रही है? नहीं। चलो बस ठीक है फिर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग वापस आ गए थे खैर वाफियत से, और तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अभी भाई में एनर्जी आ चुकी है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी के खाना शाना खाने के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर भाई हमारे खाने में बनी भी है। किस किस्म की आवाज है? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये मस्ती कर रहे हैं? ये तुम आवाजें निकाल रहे हो? ड्रामे नहीं कर। हैं? नहीं सुने? खेल रहे हैं? कौन आवाजें निकाल रहे हैं? हम कहीं से भी आएंगे राम ही कर रहे हैं हम। यार क्या हुआ है? क्या हुआ है? लड़े भाई ये देना। यही निकाल रहा था आवाजें। नहीं सुने? कसम उठाओ। अबे कसम उठाने की बात क्या है, इसका खेल रहे हैं जी हमारे पास। कसम मैं कहती हूं कसम उठाओ। हां हमने भी क्रिकेट में बहुत कसमें खाई है भाई, हम भी उठा लेता हूं। आप उठा लो, हमारी नाक उतर जाएगी। भाई तू झूठ नहीं बोल सकता, मान जा मेरी जान। अब मैं अगर तेरे साथ कर रहा हूं तो मुझे तो पता भी नहीं तू यहां पर बैठा हुआ है। अच्छा तो तुम आज लोगों को लेने के पहले भी आवाज है यहां से वॉकिंग करके। अभी तू जब गया था भाई लड़का खड़ा हुआ था, तुझे यहां से कुछ आ रही है ना? आपा ने बताया यहां से आ रही है। झूठे अबे आपा के मम्मा होता है। चलो अपने लिए जो कढ़ाई शढ़ाई बनी हुई है वो खाते हैं जाकर। चलो 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 गर्मा गर्म कढ़ाई अपनी आ चुकी है। हाय 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 हाय, आज तो खाने का मजा ही आने वाला है। खाना शाना जी अपना हो गया, अब खाने के बाद करेंगे बोन फायर। दिल हमारा ले सहारा,
नाच नाच करना हालत हो चुकी है खस्ता, और टांगों ने भी अब हिम्मत छोड़ दी है। बस यार आज के व्लॉग से अपने भाई को दें इजाजत, कल मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए क्या कहता हूँ, मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Parece saber cuándo volver a mí. Vamos.